नमस्कार हजारी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। आइए स्थानांतरण नीतियों को ताक पर रखकर स्थानांतरण किए जाने पर यूपी मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्री एसोसिएशन जनपद ललितपुर के जिलाध्यक्ष जगदीश प्रसाद सुरेले ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक ज्ञापन दिया, जिसमें नीति विरुद्ध लिपिक संवर्ग के स्थानांतरण एवं समायोजन किए जाने पर उन्होंने मांग की कि तुरंत ही स्थानांतरण को रोका जाए। यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 19/7/2021 को प्रातः 10 बजे ललितपुर जिला कार्यालय में संपूर्ण कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। बैठक में इंद्रपाल सिंह यादव, आमोद दीक्षित, राजाराम, संतोष कुमार वर्मा, मनोज कुमार कुशवाहा, माधव सिंह दिवाकर, विक्रम सिंह, अनुराग पांडे आदि उपस्थित हुए। ललितपुर से हजारिया टाइम्स की रिपोर्ट में विनोद मिश्रा के साथ विकास सोनी की रिपोर्ट। आपने ज्ञापन दिया है, किस संबंध में दिया है? जिला अध्यक्ष और हमारे पदाधिकारी जो है महामंत्री जी, म्युनिसिपल एसोसिएशन के, हमारे 15 जुलाई 2021 को लिपिक संवर्गों के व्यापक पैमाने पर अनियमित तरीके से निदेशक प्रशासन द्वारा लखनऊ स्वास्थ्य महानिदेशालय द्वारा स्थानांतरण किए गए, जिसमें ऐसे लोगों के स्थानांतरण कर दिए गए जो मृत हो चुके हैं। कुछ ऐसे कर्मचारी लिपिक संबंध हैं जिनको पहले पदोन्नत किया गया और वरिष्ठ लिपिक के पद पर, इसके बाद उनका कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थानांतरण कर दिया गया, जिसमें संतोष कुमार वर्मा कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी ललितपुर में वरिष्ठ लिपिक के पद पर प्रमोशन किया गया, उनको कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थानांतरण किया गया।